क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाते, बीमारे मोहब्बत को सूरत तो दिखा जाते। जय बात भी यही है, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो हैं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता, जहां वो हैं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो तराना है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो तराना है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता। दो दिन बीत गए कमरे में बंद हैं ताज बेगम, दो दिन से ना अन्न ग्रहण किया है ना जल ग्रहण किया है। दास दासियां बड़ी चिंतित हैं, प्रयास करती हैं, लेकिन वही मीरा जी का भाव, जब गोविंद से मिलने की प्यास जागृत होती है तो फिर तन की भूख मिट जाती है। तन की भूख भोजन से शांत होती है, लेकिन मन की भूख तो केवल भजन से ही शांत हो सकती है। मन की भूख भजन, मन की खुराक भजन, तन की खुराक भोजन जी। और दास दासियां प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं, बेगम आपने दो दिन से कुछ नहीं पाया, कम से कम जल ही ग्रहण कर लो। वही मीरा जी का भाव, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस बिन गोविंद के जिंदगी उदास लगती है, उदास उदास। कुछ नहीं खाती हैं, कुछ नहीं ग्रहण करती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, अब मुझे भी आपकी हद देखनी है, आखिर कब तक कब तक आप मुझे दर्शन देने के लिए कृपा करने के लिए नहीं पधारोगे। अगर मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है, अगर मैंने आपके पीछे सब कुछ त्यागा है, तो मुझे विश्वास है इस धरती से जाते जाते एक झलक दिखाने तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो मैं मजबूर बना दूंगी आपको, मैं मजबूर कर दूंगी आप। इतना रोई इतना रोई इतना रोई, कोई धीरज बंधाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। तीसरा दिन आरंभ हो गया, ताज बेगम अपने कक्ष में बस अविरल अश्रुधारा प्रवाहित कर रही हैं, रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं। दिन बीता, दोपहर हुई, दोपहर बीता, शाम हुई, शाम हुई, रात होने को आई। आज ताज बेगम से रहा नहीं जा रहा, आज वो दर्द सहा नहीं जा रहा, आज रुका नहीं जा रहा, रोए जा रही हैं, तड़प रही हैं। आज लगता है कि शरीर प्राणों को धारण नहीं कर पाएगा ज्यादा, आज लगता है आज ये कोई सामान्य शाम नहीं, लगता है आज जीवन की शाम ही आ जाए। लेकिन शाम सुंदर, मैंने तुमसे प्रेम किया है, इस जीवन की शाम आए उससे पहले अगर शाम तुम आ जाए तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। वही क्या था जो घड़ी भर को तुम लौट के आ जाए, जीवन की शाम आई पर शाम नहीं आए। बैठी हूं तेरी राह में मैं पलके बिछाए, मैं पलके बिछाए। रात्रि का समय, रो रही हैं, तड़प रही हैं, बिलख रही हैं। आज गोविंद देव का हृदय भी पिघल गया, इतने दिनों से, इतने दिनों की प्रतीक्षा, शायद आज गोविंद देव ने विचार बना लिया मन में, मन ही मन संकल्प ले लिया कि अगर आज मैं उस परम भक्ता को दर्शन देने के लिए नहीं गया तो मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी, कलंकित हो जाएगी, भक्तों का विश्वास टूट जाएगा, और मुझे भगवान ने भी तो बनाया केवल भक्तों के विश्वास नहीं है, अगर भक्त नहीं होती तो भगवान नहीं होता। भक्तों का विश्वास टूट जाएगा, भक्तों की निष्ठा को ठेस पहुंचेगी अगर आज भी मैं ताज बेगम को दर्शन देने के लिए नहीं गया। कहते हैं प्रेमियों, रात्रि का प्रथम पहर बीता है,
द्वितीय पहर आरंभ हुआ है, प्रहर आरंभ हुआ है। ताज बेगम अविरल अश्रुधारा प्रवाहित कर रही है। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद कर करके रसना थकने लगी है, लेकिन सरकार नहीं आए। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करती जा रही है, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। मानो आज ताज बेगम इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि आज ताज बेगम में आंसुओं की जमुना बहने लगी। आज दासियां भी चिंतित हैं, आज जैसी स्थिति तो बेगम की आज तक हमने भी नहीं देखी। 3 दिन से कुछ खाया नहीं, 3 दिन से कुछ पिया नहीं, लगता नहीं कि हमारी महारानी, हमारी बेगम ज्यादा देर अब जीवित रह पाएंगी। मदहोश बेहोश हो रही हैं, मूर्छा किसी अवस्था हो रही है, आधे आधे नेत्र खुले हैं और कपकपाते अधरों से भी केवल हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, कब आओगे प्राणनाथ, कब आओगे प्राणनाथ। एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना। और मन ही मन कहा, गोविंद मैं जानती हूं, मैंने सुना है कि मरने वाला जिसका अंतिम समय नजदीक हो, वो जिस चीज का ध्यान करता है उसे वही प्राप्त होता है, अगले जन्म में वही बनता है वो। गोविंद कोई बात नहीं, मेरी तो कोई शेष इच्छा रही नहीं, मेरी तो कोई अभिलाषा रही नहीं, एक ही अभिलाषा है, तुमको याद करते करते अगर मेरे प्राण निकल गए तो हो सकता है अगले जन्म में किसी हिंदू जन्म में घर लेके, किसी अगले जन्म में हिंदू घर में जन्म लेके मैं तुमसे मिलने के लिए फिर तेरे मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होंगी वो। क्योंकि अंतमति सागति, अंतिम समय जो मति हो, अंतिम समय जो जिसे याद किया जाए वही गति होती है। गोविंद मेरी मति में कुछ और है ही नहीं, मेरे लिए तो केवल सर्वस्व आप हो, तुम्हें याद करते करते अगर इस जन्म में मेरे प्राण निकल गए तो मुझे चिंता नहीं, क्योंकि अंतमति सा गति अगले जन्म में तुम्हें जरूर प्राप्त करूं। इतना उल्हाना दिया, इतना उल्हाना दिया कि आज गोविंद देव जी का, आज ठाकुर जी का हृदय भी कांप उठा, कांप उठा। रात्रि का द्वितीय पहर, ताज बेगम अपने कक्ष में धरती पर मूर्छित पड़ी है। हाँ गोविंद करते करते मूर्छित हो गई, और कुछ देर बाद ताज बेगम के कक्ष में नीलमणि जैसा एक प्रकाश पुंज स्थापित हो जाता है। ताज बेगम के कक्ष में आज गोविंद देव अपने मंदिर की चौखट को लांग के अपने उस भक्त की ओर चल रहे हैं। आज गोविंद देव को भी इतनी जल्दी है, आज ठाकुर जी को भी इतनी जल्दी है, मेरे जाने से पहले मेरा प्रेमी, मेरा भक्त ना चला जाए। ठाकुर श्री गोविंद देव ने एक हाथ में सोने के थाल में कुछ प्रसाद लिया, एक हाथ में सोने की जल में, सोने की झारी में जल लिया, बंसी को कटकाचनी में विराजमान किया है, और नंगे पांव गोविंद देव भोजन की थाली और जल की झारी लेकर आज ताज बेगम की कुटिया की ओर भागते जा रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। रात्रि का द्वितीय पहर, ताज बेगम के कक्ष में नीलमणि प्रकाश पुंज स्थापित होता है, और उस प्रकाश पुंज में एक ध्वनि होती है, एक झनकार होती है, छम 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 छम। नुपुर की झनकार की आवाज सुनकर मानो जाती जाती उस ताज बेगम के प्राण वापिस लौट आए। नुपुर की झनकार सुनी, ताज बेगम कुछ चेतना में आई, जाती जाती उस ताज बेगम के प्राण कुछ वापिस लौट के आए। नेत्र अभी खुल नहीं पा रहे हैं, प्रयास कर रही है, कौन आया है, कौन आया है, कौन आया। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, धीरे धीरे नेत्र खोलने का प्रयास किया,
तो कुछ धुंधला धुंधला प्रकाश नजर आता है। मेरी कुटिया में ये प्रकाश कैसा, मेरी कुटिया में ये आलोक कैसा। और गौर से देखने का प्रयास किया तो नीले रंग का प्रकाश नजर आता है। नीले रंग का प्रकाश देखकर कुछ और हिम्मतमंदी शायद वही तो नहीं आ गए, जिनके लिए मैं तड़पी हूं शायद वही तो नहीं आ गए। और गौर से देखने का प्रयास किया तो नीले नीले प्रकाश में कहीं पीताम्बर जैसी झलक झलक आने लगी, कहीं पीताम्बर जैसी झलक आने लगी। थोड़ी सावधान हुई, अरे मुझे लगता है कि शायद मेरे प्रीतम आ गए और इतनी जल्दी आए मुझे कम से कम स्वागत की तैयारी तो करने का अवसर देते। चले आओ जल्दी से, मेरी जान बाकी है, मेरी आंखों के शीशे में तेरी पहचान बाकी है, तेरे स्वागत को कुछ ना कुछ सामान बाकी है। चले आओ जल्दी से, मेरी जान बाकी है। कब तक गोविंद देव अनसुनी कर सकते थे। देखा नीले नीले प्रकाश पुंज में कुछ पीला पीला सा भी दिख रहा है। गौर से देखा तो लगा कोई वस्त्र लहरा रहा है, मानो पीताम्बर। हिम्मत बंदी शायद आए, शायद आए, शायद आए। और जैसे ही उस प्रकाश पुंज के नजदीक जाती है, ताज बेगम रोते 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 प्रकाश पुंज अंतर्ध्यान हो जाता है और उस प्रकाश पुंज के बीच में साक्षात गोविंद देव भगवान भोजन की थाली लेके ताज बेगम के सामने प्रकट हो जाते हैं। जो सूख गई थी वो फिर सजल हो गई। गोविंद देव भगवान आज अपने हाथों में ताज बेगम के लिए भोजन की थाली जल की झारी लेकर प्रकट है। ताज बेगम ने चरण पकड़ लिए, हे प्राणनाथ जब आना ही था, जब दर्शन देना ही था तो इतना विलंब क्यों, इतनी देरी क्यों, करुणानिधि होके सताने लगे हो, करुणानिधि होके सताने लगे। गोविंद देव भगवान भी आज कुछ बोल नहीं पा रहे, आज कुछ कह नहीं पा रहे। इधर ताज बेगम के नेत्र सजल हैं, उधर गोविंद देव ठाकुर के नेत्र सजल हैं। कहती तो तू ठीक है मैंने आने में देरी की, कहती तो तू ठीक है मैंने आने में देरी की, चल कोई बात नहीं, तेरे अनुमान को पूरा तो किया, तीन दिनों से तूने कुछ पाया नहीं है, देख मैं तेरे लिए मंदिर से प्रसाद लेके आया हूं, तो कुछ ग्रहण कर ले, कुछ ग्रहण कर ले। ठाकुर जी की मधुर मधुर वाणी सुन के कौन अपने होश में रह सकता है, कौन अपने आप में रह सकता है। ठाकुर जी तो प्रसाद पाने की बात करते हैं और ताज बेगम चरणों से लिपटी हुई है, चरणों से लिपटी हुई, और चरणों से लिपटे हुए अपने आंखों के आंसुओं से ठाकुर जी के चरणों को प्रक्षालित कर रही है, चरणों को धो रही है। गोविंद देव ठाकुर ने कहा, अरे जब तक मैं था नहीं, जब तक मैं तेरे सामने प्रकट नहीं था, तब तक रोती थी समझ में आता था, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया हूं, अब क्यों रो रही है, अब तेरे रोने का कारण क्या है। ताज बेगम ने कहा, प्राणनाथ रोते 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 बहुत सी बात दिल की दिल में ही रह गई, दिल की दिल में ये समाई हुई, ये सूरत है दिलदार तेरी, इन प्राणों के अंदर गूंज रही मुरली धुन की झनकार तेरी। हम करते करते हार थके, मनमोहन है मनहार तेरी, पर सुंदर शाम तू रीझा नहीं, बलहार तेरी, बलहार तेरी। तेरी भी हद देख ली, तेरी भी सीमा देख ली। और आप पूछते हो कि मैं जब सामने प्रकट हूं, दर्शन मेरा मिल रहा है, तो तेरे रोने का कारण क्या है। प्राणनाथ
आपकी याद में इतना कुछ रोई, इतना कुछ आपसे कहने का प्रयास किया, लेकिन कुछ बातें रह गई, कुछ बातें दिल में दबी रह गई सरकार। उन बातों को कहने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ पाए। कैसे कहूं, कैसे अपने विरह की दशा तुम्हें बताऊं, कहां से वो शब्द लाऊं। शब्दकोश में शब्द नजर नहीं आते थे गोविंद। और जिसे तुम आंसू कहते हो ना, ये वो आंसू नहीं है। जिसे तुम आंसू कहते हो, ये आंसू नहीं है। हे गोविंद, जो बात जुबान तक आ ना सकी, जो बात मैं तुमसे कहना चाहती थी, जो प्रार्थना मैं तुमसे कहना चाहती थी, जो शब्द मेरी जिभ्या पर नहीं आ पाए, वही मेरे आंसू बने। आंसू बन के जब मेरे जज्बात जमी पर गिरने लगे, आंसू बनकर जब मेरे जज्बात जमी पर गिरने लगे, मेरे सरकार ये वही अल्फाज थे जो जुबान तक पहुंचे ही नहीं। ये वही अल्फाज थे जो जुबान तक पहुंचे नहीं। ये सुनते ही तो ताज बेगम को गोविंद देव ने हृदय से लगा दिया, हृदय से लगा दिया। धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरा प्रेम, धन्य है तेरी निष्ठा, धन्य है तेरी श्रद्धा, जिसने अपने कुल की चिंता नहीं करी, अपने धर्म की चिंता नहीं करी, एक सर्वस्व मुझ पर नौछावर होके सब कुछ छोड़ के मेरी प्रतीक्षा में बैठ गई। जा, आज मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी भाव से निष्ठा से तेरे इस प्रेम प्रसंग को सुनेगा, जब मुझे क्या तेरे इस प्रेम प्रसंग को, तेरे इस भाव भरे प्रसंग को मुझे सुनाएगा, उन प्रेमियों को मैं सहज प्राप्त हो जाऊंगा, सहज प्राप्त हो जाऊंगा, सहज प्राप्त हो। इतनी महिमा बखाने थे ताज बेगम को श्री गोविंद देव जी की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों तक वृंदावन में वास किया। वृंदावन में वास करने के बाद कुछ प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो ताज बेगम जी ब्रजमंडल में महावन में जाकर निवास करने लगी। महावन में अंतिम समय तक ताज बेगम जी ने निवास किया है। आज भी वहाँ पर ताज बेगम जी की समाधि का दर्शन होता है। आप ब्रजमंडल वृंदावन जब भी जाएं, बिहारी जी के दर्शनों के बाद खोज किया करो कि यहाँ कौन कौन संत हैं जिन्होंने अपना जीवन नौछावर किया, उनके भजन स्थली का दर्शन किया करो। उनकी भजन स्थली का दर्शन करने से हृदय में भक्ति पुष्ट होती है, गोविंद से मिलने के आसार नज़दीक होते हैं, गोविंद की प्राप्ति होती है। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। फिर निवेदन करूं, श्रीमद् भक्तमाल कथा महोत्सव में आप सब प्रेमियों के मध्य में बस इस कथा का सार इतना समझना, कहने को बहुत कुछ है, कुछ बातें कहीं, कुछ बातें हृदय में ही रह गईं, लेकिन क्योंकि तीन दिन में इतना संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से जितना हो पाया, सरकार ने कृपा पूर्वक हम सबको भक्तों के चरित्र का सुख प्रदान किया। भाव यही है, मैं फिर निवेदन करूं, आज हमसे गोसाई जी कह रहे थे कि जब विश्राम दिवस है तो थोड़ा सा महात्मा आप भक्तमाल जी का कह देना, केवल इतना भाव है, लंबी चौड़ी प्रवचन करने से अच्छा आपको सार बता दें कि अगर अपने गोविंद को प्रसन्न करना चाहते हो या ये चाहते हो कि आपके आंगन में गोविंद सदा सर्वदा नाचते रहे, झूमते रहे, खेलते रहे, आपको उनका सुख मिलता रहे, तो एक ही साधन है, दिन भर की व्यस्तता के बाद जब अपने घर आंगन में विराजमान अपने ठाकुर के नज़दीक दो घड़ी बैठते हो, उस दो घड़ी बैठकर अपने गोविंद को किसी एक भक्त की कथा सुनाया करो, किसी एक भक्त की कथा सुनाया करो। अगर समय हो तो पूरी कथा सुनाओ, समय नहीं है तो आधी सुनाओ, और बिल्कुल समय नहीं है तो गोविंद से बस इतनी ही प्रार्थना कर देना, सरकार आज समय का अभाव है, कल आपको मीरा जी की कथा सुनाएंगे, कल आपको धन्ना जाट जी की कथा सुनाएंगे, कल आपको रसखान जी की कथा सुनाएंगे। अगर समय अभाव है, इतना भी गोविंद से आप कह दोगे तो इसी प्रतीक्षा में गोविंद आपके आंगन में विराजमान रहेंगे कि वो कल आएगी, कथा सुनाएगी, कथा सुनाएगी। और संतों ने विश्वास दिलाया है, ये संतों का ग्रंथ है, संतों का वैष्णवों का धन है, संतों ने विश्वास दिलाया है, जिस घर में भक्तों की कथा गाई जाती है, जिस घर में बैठ के
अपने प्यारे दुलारे लड्डू गोपाल को उनके प्यारे दुलारे भक्तों की कथा श्रवण कराई जाती है। उन भक्तों के घर से मैं कभी दूर नहीं जाता, हाँ बल्कि प्रकट लीलाएं होने लगती हैं उन घर में। और श्याम सुंदर तो कौतकी है ही, शैतान है ही, कभी कभी शैतानियां भी करते हैं। और प्रेमी शैतानी से तंग होकर अगर गोपाल जी को इतना कहे, जाओ बहुत तंग करने लगे हो, बहुत परेशान करने लगे हो, जाओ आप अपने मंदिर में विराजो, हम तो आपके नाम से ही सुख ले लेंगे, अगर आप उन्हें जबरदस्ती भी अपने घर से भेजना चाहोगे तो भी गोविंद उस घर को छोड़ कर नहीं जाते हैं। ये महिमा है श्रीमद भक्तमाल कथा की, ये महिमा है श्रीमद भक्तमाल कथा की। सुनाम के प्रेमियों ने आपका तो जो भाव रहा सो रहा, लेकिन हम अपने आप को बड़भागी मानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जीवन में ऐसी शुरुआत हुई कि हम सब बैठ कर यहाँ भक्त चरित्रों का श्रवण कर पाए। साक्षात श्री बिहारी जी महाराज बैठ कर यहाँ विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हो तो भला कृपा क्यों नहीं बरसेगी। कहने को बहुत कुछ, प्रसंग बहुत, क्योंकि कथा, इस कथा का विराम तो कभी नहीं होता है, क्योंकि भक्तों की कोई गिनती नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कितने भक्त हुए थे, कितने भक्त हैं, कितने भक्त आगे प्रकट होने वाले हैं, कोई संख्या नहीं है। भक्तमाल का कभी विराम नहीं होता, कभी विश्राम नहीं होता, कुछ पलों के लिए विराम दिया जाता है। अगर ठाकुर जी ने कृपा की, फिर कभी कृपा हुई तो भविष्य में पुनः आगे किन्हीं और भक्तों के चरित्रों के साथ हम सब आनंद लेंगे।